जबलपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कैलाश गुप्ता फाउंडेशन के द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए एक हाईटेक वैक्सीनेशन एम्बुलेंस प्रदान की गई, जहां इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को कैलाश गुप्ता के द्वारा एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार, डॉक्टर सौरभ बड़ेरिया, डॉक्टर राजेश धीराबनी शामिल हुए। वहीं कैलाश गुप्ता ने बताया कि टाटा मोटर्स की ओर से पूरे देश में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को हाईटेक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। वहीं इस क्रम में टाटा मोटर्स के द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जबलपुर के लिए भी एम्बुलेंस दी गई है। वहीं इस हाईटेक एम्बुलेंस में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें इमरजेंसी के वक्त में मरीजों को दी जाने वाली सभी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ ऑक्सीजन किट व अन्य सुविधाओं से एम्बुलेंस को लैस किया गया है। साथ ही टाटा मोटर्स के द्वारा 2 साल तक एम्बुलेंस में लगने वाले डीजल और ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी के द्वारा दी जाने की बात कही गई है। सर, आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है कैलाश गुप्ता फाउंडेशन की तरफ से। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप मेरे बगल में खड़े हैं। इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन किया गया, टाटा मोटर्स के द्वारा कई सारे वैक्सीनेशन के वाहन अलग अलग जिलों को प्रदाय किए जा रहे थे। आपके प्रयास से एक वैक्सीनेशन का वाहन हम लोगों को जबलपुर ज़िले के लिए भी प्रदाय किया गया है, जिसको आज रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्पित किया गया है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि दूर क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन का गैप रह जाता है, इस वाहन के माध्यम से हम उसको बेहतर तरीके से ब्रिज कर पाएंगे। बहुत ही एडवांस वाहन है, लगभग 25 लाख कीमत इसकी है, और इसके अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेफ्रिजरेशन और बाकी सारे इक्विपमेंट रखने के लिए पूरी सुविधा है। आधुनिक वाहन है और इसका हम बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। टाटा ग्रुप ने और टाटा मोटर्स ने समय समय पर जबलपुर को पर विशेष ध्यान रखा है, और यहाँ पर आप लोगों को शायद याद होगा भूकंप के समय में उन्होंने विशेष तौर पर 150 मकान बनवाए, और बीच बीच में स्कॉलरशिप्स और वो भी और चीज़ों में भी उनका योगदान रहा है। हमारे प्रयासों से हमने टाटा मोटर्स से निवेदन किया कि ये जो एम्बुलेंस उन्होंने हाईटेक एम्बुलेंस बनाई है और कुछ रेड क्रॉस को उन्होंने प्रदान की है, हमने कहा जबलपुर को भी एक मिलना चाहिए, और अच्छा यहाँ पर क्षेत्र है, उसकी यूटिलिटी बहुत है। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और उनके माध्यम से आज ये एम्बुलेंस प्रदान की जा रही है। इसमें 2 साल तक का डीजल का, ड्राइवर का, क्लीनर का, कुछ मेंटेनेंस के खर्चे टाटा मोटर्स की तरफ से दिया जाएगा।